हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड HI मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया गया था RL निकालने का, अब इस बार हम लोग राइज एंड फॉल मेथड पढ़ेंगे, उतार और चढ़ाव विधि। फार्मूला जैसा कि यह है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL प्लस BS और RL इज इक्वल टू HI माइनस FS या IS। ठीक, और ये चेक करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। सेकेंड क्या, ये तो रहा HI मेथड के लिए, ये रहा राइज फॉर्म मेथड के लिए, फार्मूला सेम रहेगा, समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। बस केवल समेशन ऑफ राइज एंड माइनस समेशन ऑफ फॉल बढ़ जाता है। क्वेश्चन वही पिछला ही है, लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से। एक तलेक्षण उपकरण वह 3 मीटर लंबे गज से ढालू जमीन पर 20 मीटर के अंतराल पर निम्न पाठ्यांक लिए गए हैं। जो पाठ्यांक हैं, ये 0.602, 1.234, 1.860, 2.574, 0.238, 0.914, 1.936, 2.872, 0.586, 1.824 तथा 2.722। पहले बिंदुओं का समानित तल, पहले बिंदु का जो समानित तल RL है वो हमारे पास 192.122 मीटर है। बिंदुओं के RL ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये RL हमको निकालना है। स्टाफ हाइट तीन मीटर है, इसलिए 3 मीटर से ऊपर जो मेजर ये नहीं कर सकता स्टाफ, तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या करते हैं, बदलते हैं। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि BS क्या होगा, FS क्या होगा और IS क्या होगा। ठीक, पहले ही पढ़ा दिया गया है, बताया गया है कि जो फर्स्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जाती है वो BS की रीडिंग होती है। ठीक है, बैक साइड की रीडिंग होती है। उसके बाद जो की रीडिंग जो होती है इंस्ट्रूमेंट की IS इंटरमीडिएट रीडिंग होती है, इंटरमीडिएट साइड होती है। और लास्ट रीडिंग जो होती है उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन को अपने हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है उस पोजीशन की लास्ट रीडिंग जो है FS होती है, फोरसाइट कहलाती है। तो ये फर्स्ट रीडिंग हमारी BS कहलाएगी और बीच वाली रीडिंग जो है IS कहलाएंगी। अब यहाँ पे देखिए 2.574, 3 मीटर का स्टाफ है, इतना मेजर किया, फिर उसके बाद 0.238, यानी यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे ऊपर की तो रीडिंग ले नहीं सकता, तो हमने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट बदलना है। तो ये जो लीड रीडिंग होगी 2.574, ये FS हो यानी उस पोजीशन की लास्ट रीडिंग होगी। ठीक, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बदल करके उसी पॉइंट की ये रीडिंग क्या होगी, 2.38 होगी। अब ये स्टार्टिंग हो गया क्योंकि नया पोजीशन पे पहली रीडिंग ये BS हो जाएगी। अब IS फिर यहाँ पर चेंज हुआ 2.872 से 0.586, तो ये रीडिंग FS हो जाएगी और ये रीडिंग BS हो जाएगी और लास्ट रीडिंग FS, जितनी बीच की रीडिंग बचेगी वो क्या हो जाएंगी, IS की। अब यहाँ पर देखिए हमने टेबल इसका बनाएंगे, पहला स्टेशन, थोड़ी दूरी, BS, IS, FS, राइज, फॉल, जहाँ पे HI रहता था अब यहाँ राइज, फॉल, RL और रिमार्क, ऐसा ही आपका रहेगा। हमने यहाँ पे देखिए जैसा जैसा BS था, IS था, FS था, सबके अनुसार रीडिंग भर दी। एक बार देख लीजिए, BS में आपका इतना था, फिर IS था, फिर FS था, फिर अच्छा जहाँ FS और BS आती है दोनों, वो दोनों एक ही रो में लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद IS, फिर FS, BS, फिर IS, फिर लास्ट रीडिंग FS में। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे समझने की बात है, राइज और फॉल। देखिए हम जैसे जैसे एरो बनाए हैं, इसी एरो के अनुसार ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है। अगर रीडिंग अगर माइनस करने पर पॉजिटिव आता है तो उसको राइज में लिखेंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको फॉल में लिखेंगे विदाउट साइन, साइन के बिना। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एरो बना, इसमें से इसको माइनस करना है 0.62, यहाँ पे माइनस करना है 0.602, 1.234 माइनस किया हमने इसको, ये रीडिंग माइनस में आएगी क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो हमने फॉल में लिख दिया 0.632। फिर अब एरो इसको, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी ये सडनली कंटिन्यूली ऐसे बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, FS तक, ये ऐसे, तो 1.234 में से इसको माइनस किया, ये रीडिंग आपकी आएगी यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं राइज और फॉल बताता हूँ, फिर उसका RL बताएंगे, ये हो गया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे FS को 1.8, ये भी रीडिंग आपकी माइनस में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, हमने 0.714 कर दिया। अब यहाँ FS पे ख़त्म हो गया, अब फिर BS से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, फिर बीएससी स्टार्ट करेंगे आईएएस, फिर आईएएस में आईएएस ही रहा, सडनली बढ़ता जाएगा, फिर एफएस में माइनस करेंगे। ये सारी रीडिंग क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, तो यानी ये रीडिंग क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। तो माइनस में आएंगी तो हमने फाल में लिखते चले गए, फिर बीएससी स्टार्ट होगा, आईएएस, फिर एफएस, ये रीडिंग सब माइनस में आई है, इसलिए सब फाल में, राइज एक भी नहीं आया, क्योंकि ये ढाल पे ढाल का क्वेश्चन था, इसलिए सारे फाल आया हुआ है यहाँ पे। अब आरएल के लिए देखिए, आरएल के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का जो बेंच मार्क है उसका आरएल मालूम है 192.122, ठीक है, 192 है, 192.122। तो अब इस आरएल में से इस दूसरे पोजीशन का आरएल निकालने के लिए अगर फाल है तो इस आरएल में से फाल को माइनस कर देंगे, और अगर राइज है तो उसको ऐड कर देंगे। तो आरएल के में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, फाल है तो ये आ गया, अब इस आरएल में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, इस आरएल में से 192.864 माइनस 0.74, ठीक है, 190.864 माइनस 0.1774 करेंगे तो 190.150 ये आएगा, फिर 190.150 माइनस 0.76676 करेंगे तो 189.474 आएगा, फिर 189.474 माइनस 1.022 करेंगे तो 188.452 आएगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, फिर इसको में से ये माइनस करेंगे ये आएगा, यानी प्रीवियस के आरएल में से, प्रीवियस के आरएल में से क्या होगा, ये आपका फाल माइनस होगा और राइज ऐड होगा, तो जाकर के आंसर आएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, 192.122 माइनस 0.632 करेंगे तो 191.149 आएगा, फिर 191.149 में से 0.626 माइनस करेंगे तो 190.864 आएगा। ऐसे ही प्रीवियस आरएल में से फाल को माइनस करते जाएंगे तो हमारा लास्ट हर पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। चेक करने की बारी जब आएगी तो समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। समेशन ऑफ बीएस हमने किया 1.408 यहाँ पे है, 1.408, समेशन ऑफ एफएस माइनस लगा के 8.168, लास्ट आरएल 185.362, फर्स्ट आरएल 192.122, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ राइज जीरो है यहाँ पे, और समेशन ऑफ फॉल 6.76 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा -6.76 -6.76 -6.76, इट्स ऑल ओके। मतलब ये है कि इसमें हमें क्या करना होता है, हर एक पॉइंट का आरएल निकालना होता है। तो आरएल तो निकाल लिए, लेकिन ये सही है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर लिया, जब तीनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब सही है, यानी हर पॉइंट के आरएल यही होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेवल द्वारा क्रमिकता से लिए गए यानी क्रम से लिए गए गज पाठ्यांक निम्नलिखित हैं, और लेवल को तीसरे, छठे और आठवें पाठ्यांक के बाद स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे बता दिया तीसरे, छठे और आठवें, रीडिंग क्या है आपके सामने, 2.230, 1.605, 0.990, 2.090, 2.865, 1.260, 0.600, 1.980, 1.045, 2.685 मीटर। इन पाठ्यांकों को एक फील्ड बुक में दर्ज करें, और यदि प्रथम पाठ्यांक गज का 100 मीटर क्या है, बेंचमार्क है आरएल, जो प्रथम पाठ्यांक बेंचमार्क उसका आरएल दे दिया 100 है, तो बाकी के क्या करना, शेष बिंदुओं के आरएल निकालने हैं आपको, शेष बिंदुओं के आरएल ज्ञात करें। ये बीटी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि तीसरे और छठे और आठवें पाठ्यांक पर ट्रांसफ़र किया गया है, तो तीसरा जो टर्म होगा, तीसरा स्टेशन होगा, तीसरी रीडिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, एफएस हो जाएगी, 1 2 3, ये आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड रीडिंग एफएस। तो जस्ट एक जानकारी ये बात है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद एफएस के बाद फिर पहली रीडिंग आएगी, ये तो ये बीएस हो जाएगी 2.090। अब छठी रीडिंग 1.260, ये भी आपका क्या हो जाएगी, एफएस हो जाएगी, तो इसके जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी, बीएस हो जाएगी। और आठवीं रीडिंग 1.980, ये भी क्या हो जाएगी, एफएस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसके जस्ट बाद वाली 1.045 ये क्या हो जाएगी, बीएस हो जाएगी, बाकी की रीडिंग एफएस आईएस अपनी होती चली जाएंगी। तो एक और टेबल बनाया हमने यहाँ पे, पहले स्टेशन फर्स्ट पे,
पहली रीडिंग बीएस, फिर दूसरी आईएस, फिर तीसरी रीडिंग जो हमारी ट्रांसफर हुई वहाँ पे, तो ये चेंज होकर एफएस हो जाएगा। जस्ट चौथी रीडिंग आपकी बीएस हो जाएगी, फिर आईएस, फिर लास्ट आईएस चौथी, पाँचवीं, छठी फिर हमारी चेंज हो रही है तो ये लास्ट वाली एफएस हो जाएगी। फिर जस्ट सातवीं रीडिंग जो हो जाएगी वो आपकी बीएस, फिर आठवीं रीडिंग आती है वो भी वहाँ पे लास्ट रीडिंग हो जाएगी क्योंकि चेंज होता है, तो 1.980। फिर जस्ट नौवीं रीडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, नहीं नहीं हाँ सातवीं, ठीक, आठवीं रीडिंग बीएस हो जाएगी, नौवीं रीडिंग बीएस, फिर दसवीं रीडिंग क्या हो जाएगी बीएस हो जाएगी एफएस के बाद, और ये लास्ट वाली रीडिंग फिर एफएस हो जाएगी। यहाँ से मिला करके देख लीजिएगा इसको। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, अरे मतलब कि राइज और फॉल देखते हैं। तो अब ऊपर वाले से डाउन वाले को माइनस करना होता है अप वाले से, तो यहाँ से हायर हो गया तो इसमें से इसको माइनस किया तो वैल्यू पॉजिटिव है, इसको राइज में लिख दिया। फिर आईएस वाले में से इसको माइनस किया तो ये वाली भी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने राइज में लिख दिया। और अब फर्स्ट की रीडिंग की हमारे पास आरएल मालूम है वो 100 है, इसको भरना बाद में बताते हैं, पहले राइज फॉल देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे बीएस से, 2.090 माइनस 2.865 करेंगे तो हमारे पास रीडिंग क्या आएगी माइनस में आएगी, तो ये फॉल में चला गया 0.775। फिर आईएस में से एफएस माइनस करेंगे यानी 2.865 माइनस 1.260, वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमने लिख दिया राइज में 1.605। अब एफएस पे ख़त्म हो गया, अब फिर कहाँ जाएंगे बीएस पे, 0.60 अब ये एफएस है तो बीएस से माइनस डायरेक्ट होगा एफएस, 0.600 माइनस 1.980 तो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फॉल में लिखेंगे 1.380। फिर हमारे पास बीएससी स्टार्ट होगा तो 1.045 माइनस 2.685, ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमने फॉल में लिख दिया 1.640। अभी इसके लिए आरएल देखते हैं, आरएल फर्स्ट पॉइंट का 100 दे रखा है, तो आरएल 100 में से क्या हमने क्या बताया था, आरएल जो निकालना है उस पॉइंट का, तो प्रीवियस आरएल में राइज होगा तो ऐड कर देंगे, फॉल होगा तो माइनस करेंगे, तो 100 प्लस राइज करेंगे तो 0.625, तो 100.625 वैल्यू आ जाएगी। अभी सारे एल में फिर राइज है तो 100.625 में 0.615 ऐड करेंगे तो 101.24 आ जाएगा। अब 101.24 में अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया, फॉल आया है, तो आरएल प्रीवियस आरएल में से फॉल को माइनस कर देंगे तो 101.24 माइनस 0.775 तो क्या आ जाएगा 100.465। अब 100.465 में फिर यहाँ पे राइज आ गया तो इसको ऐड कर देंगे प्लस 1.605 तो आ जाएगा 102.07। 102.07 में माइनस कर देंगे फॉल को 1.380 तो 100.69 आएगा। अब 100.69 में फिर फॉल है तो फिर माइनस कर देंगे 1.640 तो वैल्यू क्या आएगी 99.05। तो यहाँ तक हमारा चेक मतलब सारे वैल्यू हो गए, पॉइंट हो गया। अब हमने यहाँ क्या करना है, समेशन ऑफ बीएस किया 5.965, समेशन ऑफ एफएस किया 6.915, समेशन ऑफ राइज किया 2.845, समेशन ऑफ फॉल किया 3.795। फार्मूला क्या है, एचआई वाला इस निकालते हैं जब, तो आरएल प्लस बीएस, और आरएल के लिए एचआई माइनस आईएस ऑब्लिक एफएस, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एचआई मेथड के लिए, ये एचआई मेथड के लिए, बट आरएल के लिए क्या करेंगे, आरएल वाले मेथड में आरएल प्लस माइनस राइज और फॉल, राइज होगा तो प्लस लगाएंगे या फॉल होगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये फार्मूला, तो यहाँ के लिए था चेक करने के लिए, समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस इजिकल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इजिकल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो समेशन ऑफ एफएस बीएस कितना है 5.965, समेशन ऑफ एफएस कितना है माइनस 6.195, समेशन ऑफ राइज कितना है 2.845, और समेशन ऑफ फॉल कितना है माइनस यहाँ लगा देंगे 3.795, लास्ट आरएल कितना है 99.05 माइनस फर्स्ट आर एल कितना है 100.00, माइनस किया गया माइनस 0.95 इजिकल टू माइनस 0.95 माइनस 0.95, इसका मतलब क्या है हमारा कैलकुलेशन ओके ठीक है राइट है। तो हमारे पास इसमें पूछता क्या है, सभी पॉइंट के आर एल पूछा, तो हमने सभी पॉइंट के सही सही आर एल निकाल दिए, सही सही चेक करने का मतलब यहाँ पे हमने चेक कर लिया है ठीक ओके। बाकी के क्वेश्चंस लगाइए, ये पीटी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ाते हैं ओके। थैंक यू, धन्यवाद।